हाँ गाइस, मेरे को लगता है कि जो लोग कैट का तैयारी करते हैं उनका बीपी का प्रॉब्लम बहुत होता होगा. क्यों? क्योंकि बाय एवरी मॉक, आफ्टर एवरी मॉक यू गिव, यू स्टार्ट फीलिंग बीपी लो. स्कोर कम आया, इसमें कम आया, तुम छोड़ा जिसका 99% आया उसका भी बीपी लो कि मेरा 99.9 कैसे आएगा, या वर्बल की कट ऑफ निकलेगी, ये इसकी कट ऑफ निकलेगी, उसकी कट ऑफ निकलेगी. सो इन अदर वर्ड बीपी लो होता है मॉक देख के. सो इजी वे आउट इज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स, कैट, स्नैप एंड मेट, अदर एग्जाम्स एज वेल, तो बीपी का कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं. बिकॉज द मोमेंट यू गिव कैट का मॉक यू स्टार्ट फीलिंग बीपी लो, बट द मोमेंट यू गिव अदर एग्जाम्स का मॉक, सीईटी हो गया, स्नैप हो गया, एंड मेट हो गया, द कॉन्फिडेंस गोज अप. सो इट्स अ वेरी इजी वे, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम. एनी वे, अगर आप बाकी एग्जाम दे रहे हो कैट के बाद, स्नैप, एंड मेट, सीईटी, जो भी एग्जाम देने वाले हो, वॉट यू कैन डू इज यू कैन मिक्स एंड मैच. लाइक हफ्ते में 3 मॉक कैट का, तो 1 मॉक सीईटी का. When you give CAT का mock, your BP will go low, and when you give CET का mock, your BP will go high. ठीक है, तो balance out हो जाएगा. That's a trust me, a very good way to mix up both the things. ठीक है, तो if you are giving, for example, SNAP, those who will be giving SNAP का mock, you feel, suddenly you will feel the surge in the confidence, कि यार हो जाएगा, आराम से हो सकता है. CAT का mock देखे, motivation level goes down. तो BP high low मतलब is basically motivation. So what you can do is you will start giving weekly other mocks as well. For example, if you're giving NMAT, NMAT ka hafte mein ek mock de do. Focus will remain on CAT only, but we are keep on trying with the other mocks so that I can focus on the other exams. And trust me, this will revive your confidence in CAT. Ki chal yaar koi baat nahi, kaise the taise karke CAT nikalo, baki exam baki hai abhi. To SNAP NMAT mein we will perform well so that I can score more marks. Theek, to आप एग्जाम पहले एक अपना लिस्ट बनाओ कि विच एग्जाम यू आर टेकिंग, सो देन वी विल डिसाइड इन विच ऑर्डर टू गो. ठीक है, सो आइडियल स्ट्रेटजी फॉर दोज आर नॉट वर्किंग फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ द कैट एग्जाम, हफ्ते में 3 मॉक काफी हो गया. फॉर दोज आर स्कोरिंग लेस देन 100 मार्क्स, हफ्ते में 3 मॉक इज मोर देन सफिशियंट. डू नॉट गिव मोर मार्क्स बिकॉज अनलेस यू इंप्रूव योर वीक एरिया यू कांट स्कोर मोर मार्क्स. फाइन, दोज आर ऑलरेडी स्कोरिंग येस मोर देन 100 मार्क्स इन द कैट पेपर, देन येस यू कैन गिव मोर मार्क्स. Then you can give every day a mock or weekly 5 mocks, but one day a week you can give for the dedicate for the non-CAT exams, just to give a mock. Okay, that will number one keep your check in your mind ki yes I am already preparing for other exams. Secondly is it will also keep reboost the confidence in the CAT exam. Trust me, ek bar try karke dekho, you will seriously feel good. Okay, so if you are preparing for all the exams, to BP ka problem kabhi aayega nahi exam mein. Because your focus is on all the exams. See, all the best. Thank you.